दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का डे 15 और आज हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन गंभोरो बीमारी के लिए होता है और इस वैक्सीन का नाम है IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़। और ये करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी हम इसको लगभग 45 से 50 लीटर पानी में घोल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसको मार्केट से लेकर के आते टाइम हम बर्फ़ में ही रख करके लाए हैं, इस थैली के अंदर बर्फ़ रख करके ले आए थे हम, क्योंकि ठंडी जगह पर रखना वैक्सीन को ज़रूरी होता है। अगर इसको गर्म जगह पर रख देंगे तो ये ख़राब हो जाती है। आप कभी भी मेडिकल स्टोर या फिर वेटरनरी शॉप से ख़रीद करके लाओ ना इसको, तो ठंडी जगह पर ही रखें या फिर बर्फ़ में रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमने सभी पानी के ड्रिंकर्स को 30 से 45 मिनट पहले ही खाली कर दिया था। जो टैंक से पानी आता है ना, उसका वाल्व बंद कर दिया था। और उसके बाद सभी ड्रिंकर खाली हैं और साफ़ हैं। और बर्ड को ये प्यासा रखा जाता है, जिससे कि वैक्सीन का पानी वो जल्दी पी लें। तो गर्मियों के मौसम में तो भाई 30 से 45 मिनट पहले करना होता है ये काम, और ठंड के मौसम में 1.5 से 2 घंटे के लिए बर्ड को प्यासा रखा जाता है। और भाई आप देख सकते हो, जैसे ही हम ड्रिंकर में ये डालेंगे ना, बर्ड अपने आप ही ड्रिंकर्स के आसपास आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई उनको प्यास लग रही है और वो वैक्सीन जल्द ही ख़त्म कर देंगे। और वैक्सीन लगाने का प्रोसेस आपको समझा दूँ कि इसको लगाने के बाद बर्ड लगभग 1 घंटे में इसको पी लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन को भाई कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और ड्रिंकर में जब हम इसको डाल देते हैं ना, और गर्मी के मौसम में कुछ टाइम बाद तो भाई ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है। इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर वैक्सीनेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं रहता अगर उसको आप गर्म टेम्परेचर में कर रहे हो तो। अभी देखो शाम का टाइम है, हमने सुबह में नहीं की, क्योंकि सुबह में क्या होता है, एकदम दोपहर को ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बर्ड परेशान रहते हैं, इसलिए हम शाम में कर रहे हैं। 6 बजे के बाद कर सकते हो, हम तो लगभग 7 से 7:30 के बीच में कर रहे हैं। लाइट देखो काफ़ी है, बर्ड आसानी से पी लेगा ये पानी। और देखो पानी जितना मैंने बताया ना, हमने जैसे 50 लीटर के करीब इस्तेमाल किया है, तो ये आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो गर्मियों में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भाई बर्ड ज़्यादा पानी पीता है। और गर्मियों में एक चीज़ और रहती है कि बर्ड को ज़्यादा जगह दे करके रखते हैं तो ड्रिंकर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे फार्म में काफ़ी सारे ड्रिंकर्स हैं, तो भाई सभी में पानी लगाने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा तो रखना होगा। अगर कम रखेंगे तो सभी ड्रिंकर्स में नहीं लग पाएगी वैक्सीन। और आपको एक गलती और करने से बचना है, वैक्सीन करने से 24 घंटे पहले आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी विटामिन नहीं देना। और वैक्सीन करने के 24 घंटे बाद तक भी आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी विटामिन नहीं देने, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे फार्मर क्या करते हैं, वैक्सीन लगाई और उसके बाद या तो शाम में कोई विटामिन दे देते हैं या कोई मेडिसिन दे देते हैं। तो ये करने से आप बचें, क्योंकि वैक्सीन के अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, और अगर आप मेडिसिन दोगे तो वो बैक्टीरिया भाई ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके फार्म में जिस बीमारी से बचाने के लिए आप वो वैक्सीन कर रहे हो ना, वो बीमारी फिर भी आ सकती है। क्योंकि वैक्सीन तो आपने की थी लेकिन वो ख़राब हो गई जब आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए या कुछ और दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें करने से बचें। केवल 48 घंटे की ही बात है, आपको नॉर्मल पानी चलाना है, जो सादा पानी रहता है ना वो ही चलाते रहिए बस, कुछ भी फालतू इस्तेमाल ना करें, तभी वैक्सीन सक्सेसफुल होगी। और इसके अलावा आप देख ही सकते हो कितने नॉर्मल तरीके से हम वैक्सीन कर रहे हैं। ये 4,500 बर्ड हैं हमारे, तो हम वैक्सीन की बोतल लेके आए थे, छोटी छोटी बोतल आती हैं 2-2 हज़ार की डोज़ की, 500 चिक्स के लिए भी डोज़ आती है। तो आप अगर 500 या 1,000 बर्ड पालते हो तो किसी भी मेडिकल स्टोर या वेटरनरी शॉप पर जा करके आप उतने ही चिक्स की डोज़ की वैक्सीन खरीद करके ला सकते हो। हमें लगभग 1,800 से 2,000 के बीच में ये पड़ी है, अभी बता दूंगा मैं आपको देख करके। और ये वाली वैक्सीन थोड़ी महंगी रहती है, शुरू वाली सस्ती रहती है जो रानीखेत की होती है। जनरली 3 वैक्सीन होती हैं ब्रॉयलर में, पहली होती है 6 से 7वें दिन रानीखेत की, और दूसरी ये हम कर रहे हैं IBD गंभोरों के लिए, और तीसरी फिर रिपीट होती है पहली वाली जो थी रानीखेत की, वो 21 दिन के बाद होती है। वो कर भी सकते हो नहीं भी, अगर बर्ड में कोई प्रॉब्लम है जैसी बीमारी है तो ना करें। और देखो वैक्सीन करने का मैं आपको सही समय बता देता हूँ, अगर आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे CRD या कोई और बीमारी है, तब वैक्सीन करने से बचें। अगर बर्ड बिल्कुल ठीक है तो वैक्सीन करें, तभी उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अभी देखो जैसे वैक्सीनेशन हमने पूरा कर दिया, मतलब सभी ड्रिंकर्स में लगा दिया, तो हमें थोड़ा थोड़ा बर्ड को चलाना होगा कुछ कुछ टाइम बाद, जैसे हर 10-10 मिनट में,
जिससे कि सभी बर्ड्स को वैक्सीन मिल सके, क्योंकि ऐसा हो जाता है कुछ बर्ड बैठे रह जाते हैं और कुछ ही बर्ड पानी पी लेते हैं। तो सभी को वैक्सीन अगर नहीं मिलेगी तो जिन बर्ड ने वैक्सीन नहीं पी होगी उनमें वो बीमारी आ सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको चलाना पड़ता है। ये लगभग 1 घंटे का ही प्रोसेस है, इसमें ही आप पूरा पानी ख़त्म करवा दीजिए। अभी देखो हम सारे बर्ड को इसी तरह से धीरे धीरे करके चारों तरफ से घूम रहे हैं, तो जितने भी बर्ड हैं वो सेंटर वाली लाइन पर जाकर के पी लेंगे पहले पानी, फिर एक बार सेंटर में से निकल जाएंगे तो साइडों में पी लेंगे। देखो ये डिसेबल्ड बर्ड है, जैसे लंगड़े हो जाते हैं ना बर्ड, इनको अलग से उठा करके आप इस तरह से पिला दीजिए, क्योंकि इनका भी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। जब भाई हर बर्ड अगर वैक्सीन का पानी पी लेगा तो बीमारी आने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। और इस तरह से अगर आप बर्ड को थोड़ा लगभग 15-15 मिनट बाद चलाते रहोगे तो ये लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर सारा वैक्सीन का पानी ख़त्म कर देंगे। और ये ड्रिंकर हमने छोटे लगा रखे थे ना, ये हटाने पड़ेंगे अब काफ़ी दिनों गए। और 1 घंटे में ही पिलाना है भाई, ये सोच करके चलें वैक्सीन को, इसके बाद ये सोच लें कि ये ख़राब हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा करके बर्ड को मूव कराइए, ज़्यादा तेज़ी से अगर मूव कराओगे तो भाई वो ड्रिंकर को पलट देंगे या फिर वैक्सीन बिखर जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, वैक्सीन करते टाइम भी आपको फॉलो करनी होती हैं। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देते तो ये बैठे रह जाएंगे फीडर के पास में, तो सभी बर्ड को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, कुछ ही बर्ड ड्रिंकर को खाली कर देंगे, तो इससे तो आधी अधूरी वैक्सीन होगी, इसीलिए ये सब प्रोसेस किया जाता है। अब देखो सभी बर्ड ड्रिंकर के आसपास एकदम एकदम से देखो कितनी जल्दी जल्दी वैक्सीन को पीना शुरू कर देते हैं। जब मूवमेंट कराते हैं ना इनकी तो इनको प्यास लगती है थोड़ी सी, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ाना, आराम आराम से जैसे हमने किया है। और जैसे ही वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, मतलब पानी ख़त्म हो जाएगा ड्रिंकर्स में, तो हम वाल्व खोल देंगे और टैंक से नॉर्मल पानी चला देंगे इसमें, बिल्कुल सिंपल वाटर। और भाई अब से मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूंगा आपको, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इस वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। कल मैं आपको इनका एवरेज वेट बताऊँगा कि अब तक इनका वज़न कितना हुआ है, कितना फीड खा करके कितना FCR आया अभी तक, बहुत सारे फार्मर भाई पूछ रहे थे इस बारे में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कल की वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल का नाम ध्यान रखिए पोल्ट्री गुरुजी।